क्या खेसारी लाल यादव के फंसते रास्ता बदल लिए अखिलेश कश्यप। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा इन दिनों भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का बहुत ही कम गाना आप सभी के बीच आ रहा है। पहले खेसारी लाल यादव जी का महीने में 10-15 गाना आप सभी के बीच आता था, और कम गाना आने का कारण आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट के मैटर में फंसे हुए हैं। और खेसारी लाल यादव की वजह से खेसारी लाल यादव जी के जितने भी राइटर लोग हैं इन लोगों पे भी असर पड़ा है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी पहले ज्यादा गाना गाते थे तो राइटरों द्वारा ज्यादा गाना लिखा जाता था, तो ज्यादा पैसा भी मिलता था इन लोगों को। और अब बिल्कुल नहीं आ रहा है गाना, तो समझिए बिल्कुल पैसा वैसा इस समय इन लोगों को नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी की वजह से इन लोगों पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, अब अखिलेश कश्यप अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं मगही में, जो कि नया चैनल लेकर आ रहे हैं मगही का। मगही चैनल खोलने वाले हैं और मगही सिंगरों से गाना गवाएंगे, अपने चैनल के माध्यम से रिलीज करेंगे। हाँ, तो दोस्तों अखिलेश कश्यप भी अपना दूसरा रास्ता धीरे धीरे बना रहे हैं, और देखिए खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट कब तक हटता है, क्या होता है, ये तो आने वाला समय में पता चल जाएगा। ऐसे तो कोर्ट के हिसाब से खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट 2025 में हटेगा। अब बात रही क्या खेसारी लाल यादव मगही में गाना गा सकते हैं, तो दोस्तों आपसे भी बताना चाहता हूँ बिल्कुल नहीं। जब तक खेसारी लाल यादव जी का एग्रीमेंट का मामला खत्म नहीं होगा, तब तक खेसारी लाल यादव ना तो भोजपुरी गाएंगे, ना तो मगही गाएंगे, ना तो हिंदी गाएंगे। और दोस्तों भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव का वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।